नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवरत्न स्टोन्स। फिर से एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो विषय में बात करूंगा वो है केतु ग्रह का रत्न कैट्साई के लिए। तो केतु ग्रह का रत्न एक कैट्साई के लिए, और एक जो कैट्साई में डिफरेंस होती है, जो आदमियों में भ्रम पैदा हुई है कैट्साई के विषय में, और कैट्साई के जो एक केतु ग्रह का रत्न है, पहले मैं आपको परिचय करा दूँ इस रत्न को। कोई भी काम आपको नहीं हो रहा है, पति पत्नी में जो लगातार एक लगा रहता है, सांसारिक में कोई भी एक मन नहीं लगा रहता है, पति पत्नी में विवाद कलह लगा रहता है, और कोई भी काम आपका नहीं हो रहा है, आपको हमेशा डर डर फील होता रहता है, कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा, एंड वक्त में वो काम आपका बिगड़ जा रहा है। कोई भी काम यानी कि जिंदगी में इनके अंधेरा सा ही हो गया है, सही चल रहा था, तो कुछ कुछ केस में ये ऐसा नहीं है, ये होगा, ये सिम्टम होगा तो ये केतु के लिए ही होगा, और भी कारण से हो सकती है। लगभग इस तरीके के केसेस में ज़्यादातर दिखा गया है केतु के लिए, या राहु या केतु के लिए। ये राहु अलग डिफरेंट है, और राहु के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी केतु के बारे में बात हो रहे हैं। तो इसमें केतु में एक ही ग्रह सबसे ज़्यादा एफ ही स्टोन पहना जाता है केतु के लिए, यह कैट्साई। और एक कैट्साई में अंतर होती है, कैट्साई में अंतर होती है, दो 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 तीन क्वालिटी अंतर होती है। फिलहाल हम लोग दो क्वालिटी में बाद में बात करेंगे, क्योंकि यही क्वालिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बाजार में सबसे ज़्यादा चलता है। तो इस विषय में वीडियो को कई जगह पे आप स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वीडियो के पूरी एंड तक यानी आखिर तक देखना, वीडियो को कोई जगह पर स्किप मत करना। दोस्तों, आप क्या कर एक कैटसाई खरीदने वाला है, या खरीदेंगे, या आपके पास है भी कैटसाई, तो भी आपको इस वीडियो में देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी एक कैटसाई खरीदने जाते हैं, जो हमारे पास सही नॉलेज सही इंफॉर्मेशन ना होने के कारण हम लोग सही चीज़ नहीं खरीद सकते, सही भाव यानी कि सही पैसा दे के ऐसा खरीद नहीं सकते। सही चीज़ खरीदने से लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो दोस्तों, सिलोनिस और देसी कैट्साई इसमें से मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, और भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों दो क्वालिटी है, ये है देसी कैट्साई, ये सिलोनिस कैट्साई। तो देखिए, पहले दोस्तों कैट्साई में देखिए, देसी कैट्साई जो होती है इसमें दिखने में क्या होती है, इससे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ आपको। देखिए कैसे दिखने चाहिए, देखिए ऐसा, सिर्फ ऐसा ही दिखने चाहिए। देखिए रे कैसा ब्लैकिश हल्का सा कलर है, बिल्ली के आई जैसा दिख रहा है, ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है। देखिए रे हल्का हल्का दे रहा है, बट ये ओरिजिनल है और एक नेचुरल पत्थर में जो होनी चाहिए। देखिए पहले तो अब देखिए कैसा होनी चाहिए, देखिए नेचुरल पत्थर में नेचुरल की निशानी और सही है। तो दोस्तों इसमें सब कुछ बताऊंगा प्राइस में, वीडियो के एंड तक देखना। देखिए पहले कैसा होती है, हर एक में एक एक नहीं, हर एक दिखाऊंगा मैं, और एक देखिए कैसा होनी चाहिए प्रॉपर। देखिए तो ये है देसी कैट्साई, जो हल्का रे रे देखिए कैसा कर रहा है, देखिए रे रे ऐसा ही कर रहा है, रे जो हो रहे हैं अंडर रोटेट हो रही है, रे तो कर रहा है, फिर भी एक स्पष्ट सा जो रे होता है वो नहीं कर रहा है। तो यह है देसी कैट्साई का एक एक पॉइंट होती है, ये अप डाउन पोजिशन जो अप्स एंड डाउन होती है ना, तो ये होती है। देखिए देखिए रे तो कर रहा है, प्रॉपर रे कर रहे, बट ये नेचुरल है, एक ओरिजिनल पत्थर है। ओरिजिनल पत्थर जब भी आप पहनेंगे काम 100% यानी कि 100% करेगा वो, ठीक है। तो देखिए ये देसी कैट्साई हो गया, और एक देखिए ये है सिलोनी कैट्साई, साइड में आप दिखाऊंगा। देखिए सिलोनी कैट्साई क्या, रे रे देखिए एकदम डायरेक्ट रे कर रहा है, देखिए रे जो धारी होती है चल रही है, देखिए एकदम स्पर्श सा रे कर रही है, धारी रोटेट कर रहे हैं। तो ये सिलोनी कैट्साई का खासियत है, जो रे एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करती है दोस्तों। और देखिए ये भी साइड वाला, ये भी रे एकदम स्पट से कर रहा है, वो जो आपका जो दरार दिख रहा है वो असल में मॉइस्चर के कारण से होती है, वो रेशा होती है, वो कोई टूटा हुआ चीज़ नहीं आपको दिख रहा है, जाल जैसा, वो कोई भी उसमें स्क्रैच नहीं है, वो होती है ऑयल में भिगोने से वो चला जाती है दोस्तों, वो मॉइस्चर के कारण होती है दोस्तों। देखिए तो इसमें से दोस्तों देख लिया दोनों को, तो दोस्तों ये देखिए देसी में कैसा अंतर है दोस्तों। देखिए देखिए एकदम एकदम मैं अंतर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए एकदम बस से देखिए उतना रे नहीं कर रहा। तो दोस्तों कैसा होती है दोनों में से डिफरेंट, असल में देखिए दोनों में से ये एक होती है, क्या दोनों का प्राइस अलग होती है, और दोनों में स्मिथ है कौन सा लू और कौन सा काम करेगा।
तो दोस्तों दोनों में दोनों ही काम करते हैं। मेरा कहना है दोनों में, एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी लिखा नहीं है दोनों एक बढ़िया एक काम कब करती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। दोनों ही सही तरीके से काम करते हैं, बट दोनों ओरिजिनल होना चाहिए। पत्थर ओरिजिनल होगा तो ही वो काम करेगा दोस्तों। दोनों में प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो दोस्तों एक का ये जो देसी देख रहे हैं आपको मेरे हाथों में, ये आप ऑल ओवर इंडिया या बाजार कहीं जगह उससे खरीदने, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी देखना दोस्तों। तो देखिए ये जब भी आप खरीदने जाएंगे इसको, मेरा हिसाब से ऑल ओवर इंडिया कई जगहों से खरीदना चाहते हैं, तो इसका प्राइस जो ओरिजिनल है, इसका प्राइस ये ओरिजिनल पत्थर का 300 से 400 रुपये रत्ती के हिसाब से होनी चाहिए पर रत्ती। यानी कि जो मेरा हाथ में है पत्थर, इसका 7 रत्ती का वजन है। देखिए देसी हमेशा बड़ा बड़ा पहनना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट थोड़ा लो होती है, बट इसका बड़ा साइज में बड़ा पहनना चाहिए वजन में। हाँ तो इसको इसको बड़ा पहनना, सिलोनी छोटा पहनेंगे तो बढ़िया काम होगा क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है। हाँ पावर थोड़ा इसका कम है, बट ये भी वर्क करती है दोस्तों, ये भी वर्क करती है, वो भी वर्क करती है, बट पावर थोड़ा कम है। तो दोस्तों ये भी 300 से 400 रुपये यानी कि 7 रत्ती का 2100 रुपये यानी कि 2100 रुपये इसका प्राइस है। और दोस्तों ये मैं आपको सिलोनी दिखाऊंगा। देखिए ये जो सिलोनी पत्थर है इसका प्राइस अब लगभग, इसका प्राइस आपका 2000 रुपये पर रत्ती से लेकर 3000 4000 रुपये भी रत्ती पर रत्ती। यानी कि जो मेरा हाथ में है 3 3.5 रत्ती का भी होगा इसका पत्थर, मतलब लगभग 7000 रुपये होगा। तो प्राइस में बहुत डिफरेंस है, 2000 एक 7 8 हज़ार कभी 10 हज़ार भी चला जाता है सिलोनी। तो देखिए ऐसा है पत्थर का प्राइस। और देखिए इस तरीके के जो पत्थर होती है दोनों भी बहुत ही बढ़िया, हाँ जैसा कि मैं बता रहा था दोनों ही काम करती है अलग अपने अपने जगहों में। इसका प्राइस कम है, मतलब ये काम नहीं करता, ये डुप्लीकेट वगैरह तो आपने नहीं, मैं डुप्लीकेट के बारे में बात नहीं करूँगा। देखिए इसका प्राइस कम है लगभग, ये काम नहीं करता ऐसा नहीं है। प्राइस कम होने से ये काम इस तरीके की करते, थोड़ा 19 20 का ही फर्क है थोड़ा। देखिए इसमें 10 में से जो 10 काम करेगा और ये 7 से 8 काम करेगा, परसेंट काम करेगा परसेंट हिसाब से। ये भी बढ़िया काम करता है, बेझिझक से आप सस्ता वाला ले सकते हो मेरे हिसाब से। ये सस्ता वाला भी काम करते हैं, बढ़िया वाला भी काम करते हैं, तो दोनों में अलग अंतर है। तो बहुत दुकान क्या करते हैं, सिलोनी भी लेना चाहिए आपको, ऐसा ही लेना चाहिए, प्राइस ज़्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही लेना चाहिए, जिसका प्राइस जिसका मैटर करते हैं। यानी कि आपका पास पैसे की कोई कमी हो तो देसी ले, और पास पैसे है आपके पास तो सिलोनी ले। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से देसी लेना चाहिए क्योंकि देसी पहले पहले में अब देसी पहनी है, क्योंकि सिलोनी का काम बहुत ही एकदम इंस्टेंट दो में काम होती है, उसका साइड इफेक्ट भी होती है। और दोस्तों मेरा हिसाब से कोई भी आप पत्थर खरीदने जाते हो पहले तो एक एस्ट्रोलॉजर को मत दिखाना, एक एस्ट्रोलॉजर के सजेस्ट के ऊपर ऊपर डिपेंड करके मत खरीदने जाना, क्योंकि कोई कोई प्रेडिक्शन क्या होता है गलत हो जाती है, आदमियों के पत्थर पहनने से नुकसान भी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो दो तीन एस्ट्रोलॉजर हमेशा प्रेडिक्शन लेके मिल रहे कि नहीं, वो प्रेडिक्शन देख के ही एक पत्थर खरीदने जाना मेरे हिसाब से। और दोनों ही खरीद सकते हो, दोनों का काम ही एक ही है, 19 20 का फर्क है, दोनों खरीद सकते हैं दोस्तों, बट पत्थर ओरिजिनल होना चाहिए, एक ट्रस्टेड शॉप से खरीदे दोस्तों। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ दोनों का प्राइस और दोनों का क्वालिटी में आपको सिखाने में सक्षम हुआ हूँ। और दोस्तों आप चाहे तो खरीदने वाला है आप देखिए, और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में जो भी है, व्हाट्सएप में जो भी है, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए आप इस वीडियो को, क्योंकि उस जो खरीदने वाला है उसको भी है, आपको वो उसका भी हेल्प हो जाए और आपको भी उसका हेल्प करने में बहुत बढ़िया महसूस होगा दोस्तों। हेल्प करिए दोस्तों, शेयर कीजिए जितना हो सके वीडियो को। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट और एक एक्साइटिंग और बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।